हेलो फ्रेंड्स, सफलता के इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वह कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सभी एग्जाम में, सभी स्टेट लेवल एग्जाम में फ्रेंड्स बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो मैं हिंदी आपको पढ़ाऊंगा, वो भी थोड़ा थोड़ा करके रोज, ठीक है, 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो रोज रहेगा फ्रेंड्स। और यह सभी एग्जाम में, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टेट लेवल के आपको सहयोग देगा, और बेहद ही बेस से पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको पढ़ाऊंगा और कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, सारी चीजों को एक में मिला के पढ़ाऊंगा एकदम बेस से फ्रेंड्स। तो आज हम हिंदी की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, कहां से? हिंदी भाषा व व्याकरण सामान्य परिचय। हिंदी भाषा व व्याकरण सामान्य परिचय। तो सबसे पहले ही हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी? भाषा की। किसकी? भाषा की। तो दोस्तों, भाषा सबसे बड़ा क्वेश्चन, भाषा क्या है? भाषा क्या है, किसे कहते हैं? क्या है, क्या है, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और भाषा का विकास कैसे हुआ? भाषा का विकास कैसे हुआ? ठीक फ्रेंड्स, हमको इन चीजों के बारे में जानना है, ठीक। तो दोस्तों, भाषा क्या है? भाषा या किस धातु से मिलकर बनी है? भास। किस धातु से? भास धातु। भास क्या है? धातु। क्या है? धातु। क्या है दोस्तों? धातु, ठीक, भास धातु, ठीक है। भाषा भास धातु से बनी है। किस धातु से बनी है? भास धातु से। और धातु क्या है दोस्तों? धातु क्या है? मूल भाषा है। धातु क्या है दोस्तों? मूल भाषा। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, मूल भाषा का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक चीज चल जानी चाहिए कि मूल भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत। क्या है हमारी मूल भाषा? मूल भाषा का दिमाग में जैसे ही नाम आता है मूल भाषा का, तुरंत हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि क्या है मूल भाषा? संस्कृत। क्या है? संस्कृत, ठीक। तो क्या है भाषा? किस धातु से? भास धातु से बना है। और धातु क्या है? मूल भाषा है। तो मूल भाषा जैसे ही दिमाग आया सामने, सब मूल भाषा आते ही हमारे दिमाग में यह क्लिक करना चाहिए कि मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। हिंदी की उत्पत्ति कैसी हुई ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में अलग से हिंदी साहित्य, जब और आगे थोड़ा सा चलूंगा तो हिंदी साहित्य को हल्का सा मिक्स करूंगा तो आपको बताऊंगा कि जो है हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई हिंदी भाषा की, ठीक है। अभी तो ये जानिए कि धातु क्या है? मूल भाषा, ठीक है। धातु क्या होती है? मूल भाषा होती है। मूल भाषा का नाम आते ही आपको संस्कृत, मतलब भास क्या है? संस्कृत शब्द। क्या है? संस्कृत शब्द है। तो दोस्तों, भास का अर्थ क्या होता है? अच्छा, भास का अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। क्या होता है दोस्तों भास का अर्थ? विचार प्रकट करना। क्या होता है दोस्तों भास का अर्थ? भास का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है भास का अर्थ? विचार प्रकट करना, ठीक है। यानी कि भास का मतलब होता है विचार प्रकट करना। तो दोस्तों, विचार का मतलब क्या होता है? विचार का मतलब क्या होता है? तो विचार का मतलब होता है मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई, अध्वन्यात्मक इकाई। क्या है? मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई, ठीक है। तो भाष
भास का मतलब होता है विचार प्रकट करना, और विचार का मतलब हो गया मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। तो अब दोस्तों हम परिभाषा निकालते हैं, ठीक है। अब हम अगर हम परिभाषा की बात करते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होगी, भाषा की परिभाषा क्या होगी, तो मनुष्य अपने विचारों को, ठीक है, आदान प्रदान करता होगा। अब आदान प्रदान करने में एक एक आदमी भी हो सकते हैं, ठीक है, एक एक मनुष्य भी हो सकते हैं, या फिर एक कहने वाला दो सुनने वाले, या फिर अनेक सुनने वाले अनेक कहने वाले, ठीक है, या फिर एक कहने वाला अनेक सुनने वाला, कितने भी हो सकते हैं। तो विचारों का जिस माध्यम से, क्या, विचारों का जिस माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, क्या है, वही वही क्या है, भाषा है। मतलब तो विचारों का, ठीक है, ये विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो एक बात बताइए, मनुष्य अपने विचारों को, ठीक है, मनुष्य अपने विचार को क्या करता है, एक ध्वनि के रूप में आदान प्रदान करता है, ठीक है। मनुष्य अपने विचार को ध्वनि के रूप में आदान प्रदान करता है ध्वनि के माध्यम से, ठीक है। तो वही क्या है, वही क्या है दोस्तों, भाषा है। मतलब क्या है कि विचारों के आदान प्रदान का साधन, विचारों के आदान प्रदान का साधन ही क्या है, भाषा है। क्या है, विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है। परिभाषा छोटी सी बना लीजिए, विचारों के आदान प्रदान का साधन, ठीक है। वैसे जैसे मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति है, यहां एक व्यक्ति है, यहां दो व्यक्ति है, ठीक है, ये दोनों अपने विचार, ठीक है, जो आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, जिस माध्यम से कर रहे हैं, हम उसी माध्यम को क्या कहते हैं, उसी माध्यम को क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, भाषा कहेंगे। मतलब विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहेंगे दोस्तों, भाषा कहते हैं। तो भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं, तो सबसे बड़ी चीज मैं भाषा के बारे में बता दूं तो भाषा क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों, अर्जित संपत्ति होती है। क्या होती है भाषा, भाषा क्या होती है दोस्तों, अर्जित संपत्ति होती है। जबकि बोलने की योग्यता क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, बोलने की योग्यता जन्मजात होती है। यहां जान लीजिए आप, ठीक है, कि भाषा अर्जित संपत्ति है, जबकि बोलने की योग्यता क्या है, बोलने की योग्यता ये क्या है, जन्मजात है। क्या है, बोलने की योग्यता क्या होती है दोस्तों, जन्मजात होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है भाषा क्या है, अर्जित है। खासकर ये टेट सुपर टेट में और यूपी टेट में जरूर पूछा जाता है कि भाषा क्या है, अर्जित शिक्षा विधियों में, ठीक है, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति, बोलने की योग्यता ये क्या है, जन्मजात, ठीक है। अच्छा, तो भाषा हम सीखते कैसे हैं, कैसे सीखते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि अर्जित कैसे हुआ, भाषा हम कैसे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से। किस माध्यम से दोस्तों, अनुकरण के माध्यम से, ठीक है। तो अनुकरण के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। अनुकरण में दो चीज होती है, पहले क्या होता है, उच्चारण, क्या होता है, उच्चारण, और दूसरा क्या होता है,
लेखन। क्या होता है दोस्तों? लेखन। भाषा हम अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। तो अर्जित संपत्ति है तो इसको हम किसी प्रकार से तो सीखते हैं, मतलब समाज का अनुकरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं भाषा को सीखने के लिए? समाज का, माता पिता का, ठीक है। अनुकरण सबसे पहले क्या है? उच्चारण। जैसे घर में माँ बाप हैं, ठीक है, छोटे बच्चे उनको सिखाते हैं कि दादा कहो, तो वो धीरे 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 दादा कहना, पापा कहना, मम्मी कहना धीरे धीरे सीखता है। इसके बाद फिर क्या होता है? फिर लिखना सीखता है, यानी लेखन। तो पहले क्या हुआ? उच्चारण करेगा, ठीक है, इसके बाद फिर लेखन। तो अनुकरण के माध्यम से, ठीक है, कैसे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है, और अनुकरण में उच्चारण और लेखन, ठीक। तो सीखता कैसे है? कैसे सीखता है भाषा? वो समाज में जाके सीखता है। तो भाषा हुई कैसी प्रक्रिया है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड्स? सामाजिक प्रक्रिया। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। क्या है? भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्यों भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता? ठीक है, क्योंकि अगर भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो नियर अबाउट 1050 विक्रम संवत के आसपास भाषा का विकास माना जाता है, ठीक है। तो फिर अब तक ये भाषा, ठीक है, वहीं पे होती, बदली नहीं होती, ठीक है। तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती है। क्या होता है? भाषा क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे यूपी में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं, आप महाराष्ट्र में जाएंगे वहां अलग भाषा, गुजरात में जाएंगे अलग भाषा, राजस्थान में जाएंगे अलग भाषा, बिहार में जाएंगे अलग भाषा। मतलब भाषा एक क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती है। मतलब क्या हुआ कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, ठीक। भाषा इसीलिए कहा गया कि भाषा क्या होती है? परिवर्तन सील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होता है? परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होता है दोस्तों? भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है। मतलब उसकी भाषा में थोड़ी बहुत चेंजिंग की जा सकती है, ठीक है। जैसे यहां कुछ और बोला जा रहा है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में कुछ और बोला जाएगा, ठीक है। जैसे यहां सब्जी बोली जा रही है तो महाराष्ट्र में भाजी बोली जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ? भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है। बस मतलब उसका क्या रहेगा? वही रहेगा, ठीक। अगला पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट देखिए दोस्तों, भाषा का क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, भाषा का मानक स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा, जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उसका अपना एक मानक स्वरूप जरूर होगा, ठीक है। प्रत्येक भाषा, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उनका मानक स्वरूप जरूर होता है। आपसे अगर हिंदी वर्ड में पूछे, हिंदी वर्ड मानक स्वरूप के अनुसार हिंदी में कितने वर्ड हैं, तो दोस्तों आप एक उत्तर जरूर जान लीजिएगा कि 56 वर्ड है। 52 वाला बात मत करिए, क्योंकि यहां मानक स्वरूप आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भाषा का मानक स्वरूप के अनुसार 56 वर्ड है भाषा में, ठीक है। मानक स्वरूप प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 44 से 52 है, 56 है, ठीक है। यहां भाषा का मानक स्वरूप होता है, और मानक स्वरूप में वर्डों की संख्या कितनी है? 56 है दोस्तों। कितनी है? 56 है, ठीक है। पॉइंट है, भाषा की प्रकृति
भाषा की प्रकृति कठिन से सरल की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा की प्रकृति क्या होती है? कठिन से सरल की ओर होती है। जैसे दोस्तों शुरू शुरू में हम देखेंगे कोई भी भाषा सीखने में हमको क्या होगी? कठिनाई होगी। पहले क्या होती है? भाषा सीखने में कठिनाई होती है। इसके बाद धीरे धीरे जब हम सीख लेंगे तो वह क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहा गया? भाषा की प्रकृति कठिन से सरल की ओर होती है। तो अब दोस्तों अगला जो पॉइंट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण भाषा सीखने के लिए भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तीन है। क्या है? भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तीन है। सबसे पहले क्या होगी? जिज्ञासा। भाई अगर आप किसी चीज की जिज्ञासा होगी तभी तो आप सीख पाएंगे, जिज्ञासा होगी तभी तो आप सीख पाएंगे। कि अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी किसी चीज को सीखने की तो भी सीखेंगे नहीं ना, तो क्या होगी? जिज्ञासा। दूसरा क्या है? अनुकरण। क्या है? जिज्ञासा के बाद क्या है दोस्तों? अनुकरण। अब अगर जिज्ञासा होगी तभी तो हम किसी से सीख पाएंगे, और अगर हम किसी से सीख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम अनुकरण कहेंगे। कोई हमको सिखा रहा है कुछ तो क्या कहेंगे? मतलब हम उसका अनुकरण कर रहे हैं तभी तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? सबसे पहले जिज्ञासा, फिर अनुकरण, और फिर क्या होता है? अभ्यास। अभ्यास। अब मान लीजिए किसी ने हमको एक बार बता दिया, हमने उसका अनुकरण किया, बार बार अभ्यास करेंगे तभी तो वो चीज एकदम कंठस्थ होगी। तो क्या हुआ? भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने? तीन। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपको थोड़ा 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 पढ़ाता जाऊंगा हिंदी, क्योंकि दोस्तों हिंदी ऑल स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। अभी यूपीएसआई आने वाली है, लेखपाल आने वाला है, हो सकता है कांस्टेबल भी आए, गेट, सीटेट, सुपर गेट, सारे एग्जाम सामने हैं दोस्तों, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि सफलता करियर इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना बता दिया हूं, ठीक है। कल फिर आपको इवनिंग में हिंदी की वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी, और सुबह रीजनिंग, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल, बाल विकास, मैथ्स, हर चीज के, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स आप लोग जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है। कॉपी लेके बैठे जब आप वीडियो देखें, ठीक है, और धीरे धीरे आप नोट्स, क्योंकि मैं पूरी तरीके से एकदम अच्छे से डीप बताऊंगा आपको, ठीक है, कि जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक ठीक है दोस्तों।